तो ये देखिए, ये प्लांट अभी, ये फूल अभी बीज बन रहा था, तो अगर हम इसे नहीं तोड़ते तो ये बीज बनाने में लग जाता। दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों मैं आज गुलाब प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो विंटर सीजन का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सा अच्छी ब्लूमिंग होती है इनमें। अगर आपने ऐड नहीं किया है गुलाब को अपने गार्डन में, तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर लें। तो ये देखिए कितनी अच्छी कली आई है और यहाँ कुछ पेंट हो रहे हैं। तो इसकी केयर हमें कैसे लेना है, यही बात आपसे करनी है। बात यह है, पहला टिप्स कि ये जो स्पेंट फ्लावर है, ये देखिए यहाँ स्पेंट हो चुका है, तो इसे हमें कट करके निकाल देना है, क्योंकि प्लांट अपने इस फ्लावर को सीड में कन्वर्ट करने में लग जाता है और अपना सारा एनर्जी उसी में लगा देता है, तो फिर हमें नई फूल नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी फ्लावर स्पेंट हो जाए तो उसे कट कर लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये प्लांट में बहुत सारे फूल थे और ये देखिए यहाँ पर ये छूते ही गिर गया। और जब भी कट करें तो ऐसी जगह कट करें ताकि नीचे से अच्छी सूट निकल कर आए। ये देखिए, यहाँ से अगर सूट निकलेगा तो यहाँ से तो अच्छे सूट्स आएंगे, और पतले सूट आएंगे तो कली छोटी आएगी और छोटी कली से फूल भी छोटा हो जाएगा। फिर ये देखिए, यहाँ से ये देसी वैरायटी का है, तो इसको मैं थोड़ी नीचे से ही कट कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत पतला, ये देखिए बहुत पतली टहनी हो गई थी, तो इसको मैं नीचे से ही निकाल लेती हूँ। और यहाँ देखिए, ये फ्लावर भी अभी स्पेंट हो चुकी है। यहाँ ये देखिए, ये स्पेंट हो चुकी है, तो इसे मैं थोड़ी सी नीचे से ही कट करूँगी, जहाँ से कि थोड़ी सी मोटी स्टेम निकले। इसको निकाल दिया। यहाँ पर देखिए, ये अभी ये बड़ थोड़ी सी बड़ी फूल आएगी इसमें। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, आपको पहले भी दिखाया है मैंने, और कितनी अच्छी तरह से इसकी जो लीव्स आए हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ देखिए, ये पत्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं, ये कली भी अच्छी तरह से नहीं खिलेगी, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और कोई भी अगर, ये देखिए ये पत्ता देखिए, ये एकदम ख़राब सा निकला हुआ है और ये कली भी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। यहाँ पर, यहाँ से भी मैं ये इसको निकाल रही हूँ, ताकि ये देखिए, ये जो नई सूट्स आ रही हैं, यहाँ देखिए यहाँ, तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और इसमें से फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हमें मिलेगी। यहाँ देखिए, ये जो टहनी है यहाँ पर देखिए, ये बहुत पतली सी आई हुई है, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, तो अच्छी स्टेम्स वाले आएंगे। और यहाँ देखिए, मैंने एक देसी वैरायटी का लगाया है, बेबी पिंक कलर का, यहाँ से कली आ रही है, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। और यहाँ देखिए, ये एकदम पतली सी आई है, मैं देखती हूँ ये कौन सी कलर का है, शायद येलो ही होगा, तो इसको भी मैं फूल खिलने के बाद इसको भी निकाल लूँगी। और यहाँ ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग पर है ये भी और 2-3 दिन के बाद स्पेंट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कितनी अच्छी स्टेम निकली हुई है, नीचे से एकदम नीचे से आया हुआ है, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से। और ये फ्लावर भी अभी स्पेंट हो रही है, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। देखिए, तो और फिर हमें बीच बीच में ये जो गमले को साफ करते रहना है। अभी तो ये फूल गिरे हैं, पर ये जो बीड्स हैं वो निकल आते हैं, तो इसको भी निकालना ज़रूरी होता है। तो बीच बीच में ऐसे ही
हमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की गुड़ाई भी कर लेना है। और जैसे कि इनमें आप पानी देख रहे हैं, कल शाम को ही मैंने दिया था, तो बहुत ही गीला है, सौगी सौगी सा है, तो मैं इसमें अभी पानी नहीं दूंगी। तो पानी चेक करके ही देना है, जब भी मिट्टी का गमला थोड़ा सा सूखा हुआ हो तभी उनमें पानी दें। अगर गीला मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो उनमें आप पानी बिल्कुल भी ना दें। देखिए ये प्लांट की जो मिट्टी है ये थोड़ी सी नम है, तो इनमें भी पानी ज़रूरी नहीं है, तो इसको भी हम अगर बाद में देंगे पानी तो चलेगा। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है इतने पानी देने के लिए, मुझे थोड़ी सी टाइम नहीं मिल पाती, तो मैं शाम को 6 बजे ही आके देती हूँ पानी। आप अगर फ्री हैं तो सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा है, 7 से 9 बजे के अंदर आप पानी देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात, इनमें ये जो गुलाब के प्लांट्स होते हैं ये हैवी फीडर होते हैं, हैवी फीडर होते हैं, तो हम जब लगाते हैं तभी हम थोड़ी सी इनमें फर्टिलाइज़र वाला मिट्टी बनाते हैं, तो और बीच बीच में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करना है। मैं भी दे रही हूँ अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो ये जो फ्लावर है अच्छी तरह से ये निकल के आते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी और एक कली आई हुई है, एक फुल स्पेंट हो चुका है, और ये देखिए, और यहाँ पर देखिए ये कितनी अच्छी सुंदर सी कली है येलो कलर की। तो बीच बीच में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करना है। सरसों की लिक्विड जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है वो बहुत ही अच्छी होती है प्लांट ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए, तो आप जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो बदल बदल के दीजिएगा, क्योंकि हमें जैसे एक सा खाना अच्छा नहीं लगता, तो बदल बदल के देने से प्लांट को भी थोड़ी सी अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट का अलग से कंपोस्ट बना लीजिए, और चाय पत्ती का अगर खाद है तो उसे थोड़ी सी पानी में भिगो के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप उसे दे सकते हैं। बनाना पील का फर्टिलाइज़र वो भी बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र जो है रात को 4-5 केले का छिलके को, केले के छिलके को आप काट के थोड़ी सी भिगो दें, तो 4-5 दिन बाद उसे आप प्लांट्स पर अप्लाई करें, थोड़ी सी पानी मिलाकर उनमें अप्लाई करें, तो ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाती है प्लांट्स के लिए, और हमें बहुत सारे फ्लावरिंग मिलती है। तो दोस्तों यही सब बातों का अगर हम थोड़ी सी ख्याल रखते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये ब्लूमिंग देते हैं ये प्लांट्स गुलाब के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नाथ।